इधर कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हिला कर रख दिया है। कन्नड़ फिल्म के मशहूर एक्टर दर्शन और उनकी पत्नी को पुलिस ने मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में कन्नड़ इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा का नाम भी सामने आ रहा है। सलाखों के पीछे कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन। कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन पर हत्या का आरोप। कन्नड़ फिल्म की अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा पर भी शिकंजा। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स में से एक दर्शन और उनकी पत्नी को एक मर्डर केस के सिलसिले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दर्शन पर रेणुका स्वामी नाम के एक शख्स की हत्या का आरोप है। इस मामले में कन्नड़ अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। 2 दिन पहले पुलिस ने बेंगलुरु के एक नाले से रेणुका स्वामी नाम के आदमी का शव बरामद किया। पुलिस ने उसी की हत्या के मामले में दर्शन और उनकी पत्नी को कर्नाटक के मैसूर से गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए बेंगलुरु ले आई। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उधर अपने चाहते स्टार दर्शन की गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही उनके समर्थक पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने अपने चाहते एक्टर के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान कुछ लोग दर्शन की तस्वीर वाला झंडा भी लहराते दिखाई दिए। आरोप है कि रेणुका स्वामी ने एक्टर दर्शन की पत्नी को अश्लील मैसेज भेजे थे। इसी के कुछ दिन बाद रेणुका स्वामी की हत्या कर दी गई थी। पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान 3 लोगों ने हत्या की बात कबूल की थी। उन्होंने दर्शन के इशारे पर वारदात को अंजाम देने का दावा किया। रेणुका स्वामी हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। दावा है कि रेणुका स्वामी की हत्या के बाद काले रंग की स्कॉर्पियो कार से शव को ठिकाने लगाया गया था और इस कार के पीछे दर्शन की गाड़ी भी चल रही थी। कन्नड़ फिल्मों के एक्टर दर्शन का विवादों से पुराना नाता रहा है। 2011 में उनकी पत्नी ने उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया था। 2021 में दर्शन पर मैसूर के एक होटल में मारपीट का आरोप लगा था। अब हत्या के मामले में उनकी गिरफ्तारी से कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री सकते में है।